नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। चुनावी दंगल के एक और एपिसोड में हम अभी हैं बरहिया के महारानी स्थान में, और हम महारानी स्थान के पास आए तो मंदिर का दरवाज़ा बंद मिला। यूँ तो पूरे बिहार में और भारत में भी सारे मंदिरों को खोल दिया गया है, लेकिन इस मंदिर को अभी फिलहाल बंद कर दिया गया। यहाँ कुछ लोग हैं जो हमें बताएं कि मंदिर बंद होने से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप क्या करते हैं? हम दुकानदार हैं, दुकान खोलते हैं। अच्छा, मंदिर बंद हो गया, कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, यहाँ हमारा बाल बच्चा सब भूखल मर रहा है। अच्छा। आ मंदिर यहाँ दो को गुंडा आदमी बंद किए हुए है यहाँ। कौन यहाँ हम ना दबंगा गोली मार देगा हमको। क्यों बंद किए हुए हैं भाई? रंगबाजी है यहाँ। यहाँ यहाँ यहीं अशोक धाम खुला हुआ है। अच्छा। पूरा हिंदुस्तान का मंदिर मस्जिद खुला हुआ है, बरहिया का मंदिर बंद है। अच्छा। यहाँ से 500 परिवार जीता है दुकानदार। अच्छा। सबका बाल बच्चा भूखल मर रहा है। हाँ। कौन विधानसभा में पड़ता है? लखीसराय विधानसभा, यहाँ का MLA है बीजेपी। हाँ, विजय कुमार सिन्हा। तो अब की बार वोट दीजिएगा? नहीं, हम नहीं देंगे वोट कभी। यहाँ पूरा गांव नहीं देगा उसका वोट। हाँ, काम ही नहीं करता यहाँ कुछ। तो किसको दीजिएगा वोट? यहाँ हम देंगे कांग्रेस का वोट देंगे। हाँ, कोई चेहरा जो आएंगे, प्रभात जी आएंगे, मनोज जी आएंगे, उपाध्यक्ष है यहाँ बरहिया के मनोज जी, अगर उनको मिलेगा तो हम लोग फूल मोहम्मद से जिताएंगे। तो और भी लोग हैं, हम इनसे पूछेंगे, युवा हैं, हम इनसे पूछेंगे किसको वोट दीजिए, कहाँ चले? हाँ, युवा हैं, सुनिए, किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को? जी। तो अभी मंत्री हैं आपके विधायक? जी। क्यों दीजिएगा बीजेपी को वोट? बात शर्मा कह रहे हैं, युवा है। हम तो अभी देंगे, वो तो पर्सनल है। यहाँ के हम रहने वाले नहीं, बाहर से आए, लेकिन मंदिर बंद है इसलिए। राजगीर से तो पास लेके आए होंगे कि दर्शन करेंगे, लेकिन बंद है। वही अशोक धाम गए तो वहाँ मंदिर खुला हुआ था, आसानी से पूजा हो गया। यहाँ से घूम के जा रहे हैं, बाहर से ही सिर्फ पूजा करके चले आए हैं। और क्या कहें, फैमिली के साथ आए? सारे लोग हैं फैमिली, सब आ मेरे साथ। दिक्कत हो रहा ना, मंदिर आए हैं दर्शन करने, लेकिन हाँ दिक्कत तो है ही है, अंदर से बाहर से ही हुआ। चलिए, जो भी हुआ, जो ठीक ही हुआ, माता की कृपा था वही। इससे पहले कभी आए? हर महीने हम लोग आते हैं। तो आपको नहीं जानकारी था कि बंद है? अभी तो जानकारी नहीं थी। और भी लोग हैं, इनसे हम पूछेंगे, मंदिर बंद है, आप यहाँ कब से बेच रहे हैं? मैं तो यहाँ बचपन से हूँ। मंदिर बंद है, दिक्कत होता होगा? मंदिर बंद कहाँ है, वो आम पब्लिक के लिए बंद है। अच्छा। वो आम पब्लिक के लिए मंदिर बंद है। अच्छा। अभी आप जाइएगा, आपको घुसने मिल रहा मिल जाएगा। वो आम पब्लिक के लिए बंद है मंदिर। वो आता है बाहर से, इधर से घुस के पूजा कर लेता है। वो आम आदमी जो अभी आए हैं उनको पूजा करने में दिक्कत होता है। मंदिर बंद नहीं है, लेकिन वो आम के लिए बंद है। क्यों? और कौन आदमी आते हैं जो अंदर जो मंदिर संभाले हुआ है उसका समिति, वही बताएगा ना आपको कि क्यों ऐसा क्यों है। मामूल बिहार का मंदिर भी खुला हुआ, मामूल भारत का, फिर भी यहाँ बंद क्यों है? की बार जिताइएगा? देखिए, वो तो आने वाला समय में आप जान ही जाएगी कि हाँ कौन जीतेगा। विधायक के काम से खुश है? नहीं, गोंग सुग्गा से हम खुश नहीं है, नहीं। और भी लोग हैं, हम इसे पूछेंगे कि किसको जिताइएगा? अब आने वाले के समय के बाद पता चलेगा। अब क्या वोट देते हैं ना? वोट देंगे समय के बाद, अनुसार चलेंगे, जैसे जनता चलेंगे उसे चलेंगे। जनता जैसे चलेगा, आपका कुछ मत नहीं है? नहीं, अभी तो गंगा भर है उधर। बजा विधायक से खुश हैं? खुश हैं। फिर तो उनको ही जिताइएगा। आसान हो जाएगा जनता एक तरफ, तो वो भी जीत सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोग हैं सर, किसी को भी दे सकते हैं। पसंद होता है पार्टी, पसंद कैंडिडेट पे डिपेंड पड़ेगा। हाँ, बस वर्तमान विधायक से खुश हैं? नहीं। तो फिर भी किसको? किसको? जो कैंडिडेट विपक्ष में, जो कैंडिडेट बढ़िया रहेगा दे देंगे। हाँ, किसी को? मंदिर बंद है तो मंदिर का आदमी बंद है, मंदिर का आदमी के चलते बंद है। वो तो मंदिर का आदमी के चलते बंद है, और किसी का क्यों? क्या ऐसा क्या पता नहीं उनको, उनके पास व्यवस्था नहीं है, यही बात है। आदमी नहीं है करने वाला, वही बात है, और कोई बात नहीं। तो ये समीकरण है बरहिया का, ये समीकरण है लखीसराय विधानसभा का। अब आगे देखना है कि लखीसराय विधानसभा से
कौन बाजी मारते हैं।